देखिए जो आपकी टीम की औकात थी वो सबको नजर आ गई है। आप अवे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हो के आते हैं, अब घर में खेलते तो बांग्लादेश से 2-0 हो जाते हैं। मतलब आपकी टीम की कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप बाहर चले जाएं, चाहे घर में चले जाएं, चाहे T20 खेलने चले जाएं, चाहे ODI खेलने चले जाएं, हार आपका मुकद्दर बना है, आपने हार नहीं है। जीत का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जब तक ऐसे पपिट आपने रखे होंगे, शान मसूद जैसे जिसे पता ही नहीं है कैप्टनसी क्या है, बाबर आजम किंग जिसे पता ही नहीं है कि अब वही खेलना भी है, वो पहले 3-4 साल खेल लिया, नाम बना लिया, उसके बाद फ्लॉप, शाहीन शाह अफरीदी जो लड़ाइयाँ कर रहा है, जब तक आपकी टीम में ऐसे नहुसते बैठी रहेंगे आपकी टीम कैसे जीतेगी मुझे आप बताएं। मोहम्मद सरफराज को लें, सिलेक्टर्स जितने भी हैं नीचे सबको उड़ा दें, टीम पूरी को उड़ा दें, नई टीम को लेके आए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। क्रिस्टन दास ने आपको जो है वो जो है वो नानी याद कराई कि आप याद रखेंगे, उसके बाद मेहंदी हसन ने वो नानी याद कराई कि आप याद रखेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई दो प्लेयर थे जो कि पूरी बांग्लादेश की टीम को जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जितवा के गए, एक रतन दास, दूसरा मेहंदी हसन, जिसने 150 स्कोर किया और जिसने 70+ स्कोर किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पब्लिक रिलेशंस के साथ मैं हूं दानियाल अनीफ। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफ़ा बांग्लादेश जैसी टीम के साथ वाइट वॉश हो चुका है, घर में घुस के उन लोगों ने वाइट वॉश किया। ये वो टीम है जिसको हम लोग कह रहे थे कि भाई आपके मुल्की हालात ठीक नहीं है, आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लें अपनी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो चुके हो सके। और हम लोग बड़ा ईजी थे कि हम लोग इनको वाइट वॉश करेंगे, हम लोग पॉइंट्स लेंगे और हम लोग जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके करीब चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो कुत्तों वाली आपकी की है, वो कुत्तों वाली की है कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आपको घर में घुस के उन्होंने 2-0 से वाइट वॉश किया है। यही बात हम आवाम से जानने की कोशिश करें कि वो इस हार पे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या ओपिनियन है। आइए चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र सर। पाकिस्तान बांग्लादेश से हिस्ट्री में पहली दफ़ा टेस्ट क्रिकेट में वाइट वॉश हो चुके, क्या कहेंगे आप इस पर? सर इन्होंने हारना ही था, इनके जीतने वाले कौन से काम थे मुझे ये बताइए। शान मसूद को इन्होंने कैप्टन लगाया, एक बिल्कुल यंग जो है वो बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई फील्डर फील्डिंग कहाँ पे खड़ी करनी है। 26 में जहाँ पे आपके जो है वो 6 आउट थे, आपने वहाँ पे जाके 260+ स्कोर रन बनवा दिया, आपका तब काम था, तब डबल प्रेशर अगली टीम के ऊपर डालते, तब तो बॉलर ही रह गए थे उनके, लेकिन आपने उनको फ्री हैंड दिया, आपने फील्डिंग अपने पीछे रखी, तो वो आराम से जो है लिटन दास ने आपको जो है वो जो है वो नानी याद कराई कि आप याद रखेंगे, उसके बाद मेहंदी हसन ने वो नानी याद कराई कि आप याद रखेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई दो प्लेयर थे जो कि पूरी बांग्लादेश की टीम को जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जितवा के गए, एक लिटन दास, दूसरा मेहंदी हसन, जिसने 150 स्कोर किया और जिसने 70+ स्कोर किया। उन्हीं को अगर पकड़ लेते टाइम के साथ तो मेरे ख्याल में ये दूसरे तीसरे दिन के अंदर मैच खत्म हो जाना था, लेकिन पाकिस्तान है ही फेमस हारने के लिए, एशिया कप से लेकर अभी तक बदनामियाँ घेरती हुई आ रही है, T20 वर्ल्ड कप में हारे, ODI वर्ल्ड कप में हारे, एशिया कप में हारे, मतलब कि हर सीरीज नेपाल से हारे जा रहे, मतलब कि कोई मुकाम नहीं रहा हमारे पाकिस्तान। बांग्लादेशी टीम आपको घर में आके, जैसे कहते घर में घुस के आके हरा के चले जाना, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम को किंग बना फिरता है, को क्या बना फिरता है, इतना ही बड़ा बड़ा कोचिंग स्टाफ आपने रखा हुआ है, तो वो सारे क्या कर रहे हैं? सर वो किंग आपके लिए है, बाबर आजम खुद नहीं पता कि वो किंग है, लोग उसको किंग किंग कहते हैं, उसको पता है कि मैं किंग नहीं हूँ। आप पाकिस्तानी आवाम हमारी जो है वो पता नहीं क्या उसका दिमाग है, अब एक बंदा मैच विनिंग करवा पा रहा है आपको, पिछले आप 2-3 साल से देख लें, कोई आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसके बता दें, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। आप सिर्फ एक 152 जो उसने मैच जितवाया था इंडिया के खिलाफ, उसके अलावा आज तक कोई मैच बता दें मुझे जिसमें इसने परफॉर्म किया हो या मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्यों। फिर कंपेरिजन कर देते हैं बाबर आजम के विराट कोहली के साथ, जो कि T20 वर्ल्ड कप में देखे फाइनल आके परफॉर्म करके, पहले बेशक उसने परफॉर्म किया, इसलिए कहते हैं बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, आप इसको ना जो है वो विराट कोहली के साथ कंपेयर किया करें। तो है हमारे पाकिस्तानी टीम का जो है वो बिल्कुल ही जो है वो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, हमारी अब आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, हमारे इतने सीरीज हम हार चुके हुए, हम ट्रॉफीज इतनी हार चुके हुए हैं, और हमारी टीम को जो है वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या परफॉर्म करना है, किसको आगे लेके जाना है, किसको बिठाना है, वही सेम चेहरे खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, कोई इनके पास यंग टैलेंट नहीं आ रहा, समझ से आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम इस हार की जिम्मेदार आप कैप्टनसी को समझते हैं, मैनेजमेंट को समझते हैं, कोचिंग स्टाफ को समझते हैं, या जो ऊपर चेयरमैन बैठा है उनको आप समझते हैं? मैं पूरे के पूरे जो है वो PCB बोर्ड को समझता हूँ कि उनको पता नहीं लग रहा, सिलेक्टर्स को समझता हूँ उनको पता नहीं लग रहा कि किसको कैप्टन बनाना है, किसको जो है वो टीम के अंदर खिलाना है, किसको बाहर बिठाना है, किसको रेस्ट कराना है। अब शाहीन अफरीदी को मुश्किल से बाहर बिठाया, जो कि आपके कैप्टन से अपने से ही जो है वो बदतमीजी कर रहा फिर रहा है, तो आप जब ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकालेंगे, इनको बायकॉट करेंगे, फिर ही आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट रिवाइव कर सकेगी, नहीं तो आप जिस तरह चल रही है हार पे हार हो रही है, तो आगे भी आपको हार ही जो है वो नसीब होनी है। बाबर आजम को और शाहीन अफरीदी को बाहर निकालना चाहिए। क्या कैप्टन चेंज करने से पाकिस्तान टीम के हालात बेहतर हो जाएंगे?
यार और कैप्टन है कौन सा आपके पास? आपके पास कैप्टन ही कोई नहीं है, आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है। क्या परफॉर्म करेगा हमारा कैप्टन, क्या परफॉर्म, कोई एक कैप्टन बैकअप में बता दे मुझे हमारे पास हो। सिर्फ एक रिजवान है जो कि लगता है कि शायद कैप्टनसी कर ले। अब आई डोंट नो कि वो इंटरनेशनल में जब कैप्टनसी करेगा कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सरफराज सरफराज को जो है वो आगे कैप्टनसी के आगे लेके आना चाहिए। उसने हमारे एशिया कप जितवाया, चैंपियन ट्रॉफी जितवाया हुआ उसने हमें, तो उसको आगे लेके आना चाहिए। शायद वो आगे दोबारा क्रिकेट को रिवाइव कर दे। उनको तो एक इशारा उन्होंने दे दिया कि आप जो है ना जो चैंपियंस कप करा के उसके मेंटोर बना के उन्होंने इशारा दे दे कि आपकी भाई क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है। टीम के साथ उनको लिए फिरते हैं, लेकिन वो भी क्रिकेट नहीं छोड़ रहे। उनको कैसे कैप्टन बनाया जा सकता है? देखें वो अब सबर का दामन थामे हुए हैं, होपफुली कि वो कम बैक करेंगे। और मेरे ख्याल में अब पीसीबी को शर्म कर देनी चाहिए कि उसको वापस लेके आना चाहिए और वो परफॉर्म करें आके अपने पाकिस्तानी टीम में, आके पाकिस्तानी टीम का नाम रोशन करें। जिस तरह ये बदनाम करें वैसे तो नहीं करेगा ना। एटलीस्ट पाकिस्तानी टीम के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? आखिरी क्वेश्चन, मोहम्मद सरफराज को लें, सिलेक्टर्स जितने भी हैं नीचे सबको उड़ा दें, टीम पूरी को उड़ा दें, नई टीम को लेके आए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। टैलेंट है आपके पास? ऑफ कोर्स नीचे टैलेंट ही टैलेंट है। जब मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 150 के या 160 की स्पीड के वाले बॉलर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते, सिफारिशों पे करते हैं तो फिर यही आपको मिलेगा। बात हुई थी सतरीज करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, वो सतरीज कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने कहा जी हमारे पास नीचे से प्लेयर नहीं है, एक दो की गर्दन काट देंगे, ये हमारे चेयरमैन का बयान, गर्दन काट दें फिर आप लोग खुश हो जाएंगे। चेयरमैन हमारा ऐसे बयान दे रहा है, देने दें उनको, दिमाग खराब है। अब आपका भी दिमाग खराब है, उनके लिए बात कर रहे हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके लिए बात की जाए। आप पूरे के पूरे जो है वो आप सारे सिस्टम को जो है वो खराब किए बैठे हुए हैं। आपका कोई एक सिस्टम, कोई एक डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। सिफारिशों पे सारी टीम चल रही है, सिफारिशों पर बल्कि पूरा पाकिस्तान सिफारिशों पर चल रहा है। बंदा किसके ऊपर बात करे, किसके ऊपर ना करे। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो इनकी सर्जरी करनी थी लेकिन नहीं कर पाए, वो वही सेम चेहरे वो जो उठा के वापस ले आए हैं और वही परफॉर्म करें, वही हार नसीब हो रही है। जब तक टीम बिल्कुल वाइट वॉश, टीम बाहर सारे प्लेयर्स को नहीं निकाला जाएगा जो कि गंद पीछे भरा हुआ है सीनियर प्लेयर्स के साथ, नए प्लेयर्स को लेके आ जाएगा, फिर ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाबर आजम, शहनशाह फरीदी और साइम यूब, आजम खान, इन सबको बाहर निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक, आप सुनाए। पाकिस्तान बांग्लादेश से वाइट वॉश हो चुका है हिस्ट्री में पहली दफा, उन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो अभी जो अच्छे प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, उसको नहीं खिला रहे। जो सैफज़ादा फरहान हो गया, कमरान गुलाम हो गया, जो और सरफराज हो गया, सब और 20 वाले खिला रहे, साइम अयूब, और उसको चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उसको खिलाना चाहिए। और ये आके 20 वाले प्लेयर खिलाते हैं वनडे वाले, तो उसको चाहिए कि यार जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उसको खिलाना चाहिए। पाकिस्तान में मेरिट पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्यों जो लड़के परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, जैसे आपने कामरान गुलाम का नाम लिया, साहबजादा अफरान का नाम लिया, सरफराज अहमद का नाम लिया, उनको नहीं खिलाया जा रहा, क्या इसके पीछे वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि बस दोस्ती चल रही है सारी पाकिस्तान में, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि दोस्ती ख़त्म कर दे और परफॉर्म वाले को खिलाए जो परफॉर्म करते हैं। 26 पे पाकिस्तान ने उनके 6 आउट कर लिए थे लेकिन 260 पाकिस्तान ने फिर भी करवा लिया, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कमज़ोर कैप्टनसी की गई है जिस वजह से हमारी जो टीम है वो टेस्ट मैच हार गया? नहीं, वो कमज़ोर कैप्टनसी तो सही है, लेकिन वो बॉलरों पे बात आती है कि वो बॉलर आते 145 से पहले 145-40 पे आते, उसके बाद 130-135 तक आ जाते हैं, तो ये इसके वो सबसे कमज़ोरी है। उसका स्टेमिना इतना नहीं है कि वो आगे बस 145 तक, वो उनके दूसरे देख ले बांग्लादेश वाले, वो बस 145-50 इसमें उसका एवरेज जा रहा है, तो वो कम नहीं आ रहे, तो हमारे वाला स्टेमिना नहीं है उसका, और वो कम आते जा रहे और उसका पेस कम आता जा रहा है, इसलिए आउट नहीं होते। वो इब्रार अहमद को देख ले, 31 ओवर किए, उसने एक भी आउट नहीं किया, तो ये हमारी बॉलर की बहुत कमज़ोरी है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो ये टेस्ट मैच आ रही है वो बॉलर्स की वजह से आ रही है, बैट्समैनों की वजह से आ रही है, या फील्डिंग की वजह से आ रही है? ये तीनों फार्मेट में वो लूज थे, तीनों फार्मेट की वजह से वो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से टेस्ट क्रिकेट में वाइट वॉश हो चुका है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जो आपकी टीम की औकात थी वो सबको नजर आ गई है। आप अवे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हो के आते हैं, अब घर में खेलते तो बांग्लादेश से 2-0 हो जाते हैं, मतलब आपकी टीम की कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आप बाहर चले जाएँ, चाहे घर में चले जाएँ, चाहे T20 खेलने चले जाएँ, चाहे ODI खेलने चले जाएँ, हार आपका मुकद्दर बना है, आपने हारना ही है। जीत का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जब तक ऐसे पपेट आपने रखे होंगे, शान मसूद जैसे जिसे पता ही नहीं है कैप्टनसी क्या है, बाबर आजम किंग जिसे पता ही नहीं है कि अब भाई खेलना भी है, वो पहले 3-4 साल खेल लिया, नाम बना लिया, उसके बाद फ्लॉप, शाहिनशाह अफरीदी जो लड़ाइयां कर रहा है, जब तक आपकी टीम में ऐसे नहुस्ते बैठी रहेंगी आपकी टीम कैसे जीतेगी मुझे आप बताएं। ये 36 पे पाकिस्तान ने 36 पे पाकिस्तान ने उनके 6 आउट कर लिए, वही टीम 260 तक दोबारा चली जाती है,
उनकी छठी सातवीं जो विकेट है, सातवीं आठवीं विकेट है, वो इतनी लंबी पार्टनरशिप चली गई है। आपको क्या लगता है कि इतने जो हमारे एक्सपीरियंस कैप्टन बैठे हुए हैं, साथ बाबर आजम है, साथ ड्रेसिंग रूम में हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, वो एक विकेट नहीं लेके दे सके? यार यहाँ पे मेन जो मैं कहता हूँ कि मसला है वो आपकी कैप्टनसी में है। आपके कैप्टन को पता ही नहीं फील्ड प्लेसमेंट क्या है, आपके स्लीव में से कैचेस निकल रहे हैं तो वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है, और अगर हाथ में जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहे हैं। आगा सलमान ने क्या छोड़ा, साउथ शकील ने क्या छोड़ा, बाकी भी कई प्लेयर्स हैं जिनसे अच्छी फील्डिंग नहीं हुई। ना आपसे फील्डिंग हो रही है, ना आपसे बैटिंग हो रही है, बॉलर्स क्या करें? 26 पे 6 आउट करने के बाद भी कैचेस निकले हैं, अमीर हमजा ने निकलवाए हैं, खुर्रम शहजाद ने निकलवाए हैं, लेकिन नहीं, उसके बाद बॉल पुराना हो गया, फिर उन्होंने मारना ही था, डेफिनेट सी बात है। मतलब कि मैं जो कहता हूँ कि इस पूरी सीरीज हारने के सबसे पीछे बड़ा नाम आपके कैप्टन का है, नो डाउट। अभी नया नया लोग कहेंगे कि नया है, लेकिन कैलिबर भी तो कोई चीज़ होती है ना, पता भी चले कि वो कैप्टनसी मटेरियल है ही नहीं। शान मसूद को आप दुनिया की किसी टीम में ले जाएं, वो उसकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने, आपने कैप्टन बनाया नहीं। कैप्टन चेंज करने से पाकिस्तान टीम के हालात चेंज हो जाएंगे? पूरी की पूरी टीम चेंज करने से शाहीन को निकालना पड़ेगा, बाबर को और नसीम को, ऐसे जो बड़े शाहीन और नसीम को तो निकाल दिया, रिजल्ट फिर भी वही है। नहीं, रिजल्ट कुछ बेहतर हुआ, यहाँ पे अगर कैप्टन भी कोई और होता तो रिजल्ट 100% पाकिस्तान की फेवर में चला जाता। पहला टेस्ट हमारे 10 विकेट से कितने 32 शिकस्त हुई, दूसरे में हमने फिर भी उनके पहली इनिंग में अच्छे आउट किए, दूसरी इनिंग में भी 4 आउट कर लिए। तो बाबर शहीन और नसीम को तो निकलना ही चाहिए ना, वो ओवर हो गए, मतलब के कहते हैं हम सर्कट से बड़े हो गए हैं। नसीम शाह नो डाउट स्विंग करता है, बाहर फेंक के वाइड की तरफ करता रहता है, स्विंग करता रहता है। शाहीन अफरीदी तो वैसे फारग हो गए, वो बंदा तो ज़ाया हो। आपकी नज़र में अब नया कैप्टन कौन होना चाहिए फिर? रिजवान में वो कैलिबर नज़र आता है, जो दिल से खेलता है, चाहे T20 फार्मेट, ODI फार्मेट, टेस्ट फार्मेट, वो अकेला बंदा है जो दिल से खेलता है। आप इंडिया से 2-3 मैचेस जीते हो तो रिजवान की परफॉर्मेंस थी, चाहे 152 वाला मैच या एशिया कप में एक मैच हम जीते थे उसमें भी रिजवान के 80 ग्राउंड आउट रन से। अब जब भी किसी अच्छी टीम से जीते हो रिजवान के रन होते हैं। आपने श्रीलंका के अगेंस्ट 345 चेज किया वर्ल्ड कप में, रिजवान की सेंचुरी थी। तो आप रिजवान के अलावा कुछ नहीं हो, रिजवान बाबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रिजवान है। जब भी कोई क्रुशल इस सीरीज में देख लें, 294 रन है 4 इनिंग्स में रिजवान के, टॉप स्कोरर बाबर के देखे 78 शायद, पता नहीं कितने। बाबर को क्या हो गया? बाबर किंग, बाबर आजम किंग, बाबर ये, बाबर का विराट कोहली से मुकाबला, ये कर दो वो कर दो। अपने होम ग्राउंड में आपने देखा होगा कि 600 दिन हो गया कोई 50 नहीं बना सके, और मुकाबला उनका विराट कोहली के साथ किया जाता है, ये कैसी लॉजिक है? देखिए मजे की बात क्या है कि इंडिया जब घर में मैच जीता है हम क्या कहते हैं, विकेट सही नहीं बनाते, अपने लिए बना लेते हैं। आप भी अपने लिए बनाओ, आपके अपने बैट्समैन से नहीं खेला जा रहा, आपके अपने बॉलर से विकेट नहीं ली जा रही, आपकी विकेट जो है वो बेनिफिशियल हो रही हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के बॉलर्स आपकी विकेट को अच्छा जज कर रहे हैं, बांग्लादेश के बैट्समैन आपकी विकेट को अच्छा जज कर रहे हैं, वो आके आपको एक्सपोज कर रहे हैं। आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग टोटली पैथेटिक, आपका चेयरमैन, आपका कोच, आपका सिलेक्टर, आपकी हर चीज़ एक्सपोज हो गई है ना, आप में कोई कैलिबर बाकी। हमारे जो कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, ग्लेस्पी बैठे हुए हैं, वो क्या करने बैठे हुए हैं? अगर उनको पिच की रीड करने नहीं आ रही, 2 टेस्ट मैच हम लोग हार गए, वाइट वॉश हो गए, लेकिन उनको पिच की समझ नहीं। बांग्लादेश जैसी जो नॉन एक्सपीरियंस टीम है वो पिच रीड कर गया। यार देखिए ग्लेस्पी को मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसके अभी सेकंड ही टेस्ट मैच था, उसने अपनी पूरी जान मारी, उसने एक्सपीरियंस तो है ना। उसने आज भी बयान दिया कि हम मैच हारने से पहले जब डे शुरू होना था कि हम लोग अभी डाउन हुए हैं, आउट नहीं हुए। तो ग्लेस्पी को मैं पूरा करेक्टर देता हूँ कि उसे लंबा टर्न देना चाहिए। अजहर महमूद को निकालो, अजहर महमूद पिछले 5 से 10 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चिमटा हुआ है, उसकी अपने करियर में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे अजहर महमूद की आज तक कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, कोई ऐसा वो अच्छा बॉलर नहीं था, कोई ऐसा अच्छा बैट्समैन नहीं था, मिडॉकर सा ऑलराउंडर था वो बंदा। उससे बेहतर तो अब्दुल रजाक था, उससे बेहतर तो यूनस खान है, उससे मिसबा उल हक के टनोर में आपने लॉर्ड्स में जाके इंग्लैंड को हराया था, और मिसबा के टनोर में ही लास्ट टाइम आपने टेस्ट जीता था। आपको नंबर वन टीम बनी थी, नंबर वन टीम बनी थी। आपको मिसबा उल हक टेस्ट क्रिकेट में चाहिए, आप कहते हो उसको टुक टुक, लेकिन वही आपको चाहिए। ये उनको भी कोच लेके आया गया था, एक दो सीरीज बाद उनको भी फारिग करवा देगा, लेकिन क्या किया जाए? जब वो कोच थे तब पाकिस्तान जीता था, अब रिकॉर्ड उठा के देखें। जब उनको क्यों निकाला गया था, यही तो मसला है। जब आपका पपेट चेयरमैन होगा, जब चेयरमैन को पता ही नहीं, वो वजारत दाखिला देखेगा या मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स देखेगा, उसे पता ही नहीं क्रिकेट में चल क्या रहा है। उसे तो अपने बस पैसों से मतलब है, पोजीशन से मतलब है, बस ये हार की सबसे बड़ी वजह जो आप क्रिकेट चेयरमैन को समझते हैं। बिल्कुल, क्रिकेट चेयरमैन सर्जरी होनी थी, नहीं हो सकी। बांग्लादेश आके आपको एक्सपोज करके चला गया, बांग्लादेश ने आपको रोंद के रख दिया पांव के नीचे, लेकिन आपसे सर्जरी नहीं हो सकी। आप फिर 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी कि इस तरह की सर्जरीज होंगी, ये होगा वो होगा। यार देखिए वर्ल्ड कप के बाद बोला सर्जरी होगी, कौन सा प्लेयर निकला? नसीम नहीं निकला, शहीन नहीं निकला, बाबर नहीं निकला, साइम नहीं निकला, अब्दुल्ला नहीं निकला, शान मसूद नहीं निकला, कौन सा निकला? कौन सी सर्जरी हुई? कोई सर्जरी नहीं। हाँ, कदाफी स्टेडियम हमने गिरा दिया, नेशनल स्टेडियम हमने गिरा दिया, ये सर्जरी हमें नजर आई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, पैसे में से कुछ पैसा जेब में जाएगा, कुछ पैसा स्टेडियम पे लगेगा, बस इसलिए वो काम हो रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं? अब तो इससे ज्यादा कुछ सवाल आ सकता है। पाकिस्तान की क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर चली गई है। हॉकी
हॉकी जैसे बिल्कुल जैसे हॉकी तबाह हुई थी, फुटबॉल तबाह हुई थी, स्क्वैश तबाह हुई थी, डिफरेंट गेम्स तबाह हुई हैं, वैसे ही जाके आपकी क्रिकेट तबाह हो गई है। अब तो खदशा ये है कि आने वाली जो फ्यूचर में जैसे हॉकी अब कोई यंग बच्चा नहीं खेलता, कहीं क्रिकेट पर भी ये टाइम ना आ जाए कि कोई यंग बच्चा क्रिकेट की तरफ देखे ही ना।